हेलो फ्रेंड्स, पांच का पंचनामा मतलब कि पांच रीजनिंग के क्वेश्चन का आज करने वाले हम पंचनामा। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है 16, 25, 48, 8 को मिसिंग नंबर का है, ठीक है। अब इसमें आपको देखिए इतने सारे नंबर देख के थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, बट इनको क्या है कि इस सीरियल से हम सॉल्व करेंगे और कैसे कनेक्शन बैठ रहा है एक दूसरे का वो देखेंगे। अगर मैं 16 को 2 से गुणा करूँ तो 32 आता है, ठीक है, ये गुणा हो गया। और इसमें भाग 8 का दे दूँ, 8 का, तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। इस वाले की बात करते हैं, 25 गुणा 5 और फिर वापस भाग 25 का देंगे तो 5 ही आएगा, ठीक है, ये भी सही बैठ रहा है अपना। थर्ड की बात करेंगे तो भी यही आएगा, 48 गुणा अगर मैं 3 करूँ और भाग 36 का दूँ तो आपके पास में 4 ही आएगा। यहाँ आप बात करते हैं क्या बैठता है, 8 गुणा अगर अपने 6 किया तो कितना आ गया, 48, और 48 में भाग मैंने 16 का दिया तो भाग अगर 16 का दिया तो अपने पास कितना आ गया, ये आ गया 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह 3। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर दे रखा है आपको UASC, ठीक है, उसका रिलेशन YEWG से, तो DHLO का रिलेशन किससे होगा, ये एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए इनकी आप वैल्यू रख दीजिए, यू की वैल्यू आ गई 21, ए की 1, एस की 19 और सी की 3। इन्हें याद करने की भी ट्रिक आती है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। वाई आएगा आपके 25 पे, ई 5 पे और डब्ल्यू 23 पे और जी 7 पे। तो देखिए रिलेशन क्या बैठा, 21 से 25 पे जाने के लिए क्या होगा, प्लस 4, ठीक है। अब ये 1 से 5 की तरफ जाने के लिए क्या होगा, यहाँ पे भी प्लस 4। 19 से 23 में भी क्या हो गया, प्लस 4 हो गया। और 3 से 7 पे जाने के लिए भी प्लस 4 हो गया। तो बात समझ में आ रही है, प्लस 4 करते जाइए और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब D में वैल्यू रखेंगे अपन, D की आती है 4, H की 8, L की 12 और O की 15, ठीक है। अब प्लस 4 में यहाँ नीचे करके दिखा देता हूँ, प्लस 4 करूँ ये 8 मतलब H, 8 में प्लस अपन ने 4 किया तो 12, और 12 पे क्या आता है L, 12 में प्लस में 4 करूँ तो क्या आ गया 16, और 16 पे क्या आएगा P, 15 में प्लस 4 करूँ तो कितना आएगा 19, और 19 पे क्या आता है S। तो आंसर क्या हो जाएगा, HLPS। क्वेश्चन नंबर 3, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 आपको ये क्लासिफिकेशन का दे रखा है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से कौन सा पेयर अलग है वो आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि भाई ऐसे क्वेश्चन में कई बार आपका लॉजिक बैठ जाता है और कई बार नहीं बैठता है, ऐसा बहुत बार होता है, और इसीलिए हमने ये सीरीज स्टार्ट की कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो इसमें प्रैक्टिस करते करते आपके ये प्रैक्टिस अच्छी होने पे आपके क्या लॉजिक भी लगने लगेंगे। अब इसमें क्या लॉजिक लग रहा है कि भाई 183 अगर मैं इसको डबल करूँ तो आसपास भी नहीं बैठ पा रहा, त्रिगुना भी करूँ तो भी आसपास नहीं बैठ रहा, तो इसका इस नंबर से तो कोई रिलेशन है नहीं। अगर मैं इसमें 3 का भाग दूँ तो ये पूरी पूरी बार डिवाइडेड हो रहा है, और यहाँ भी 3 का भाग दूँ तो ये भी पूरी तरह डिवाइड हो रहा है। सेकेंड में बात करूँ मैं, अगर मैं इधर 3 का डिवाइड करता हूँ तो ये पूरी तरह भाग जा रहा है, लेकिन यहाँ मैं 3 का भाग दूँ तो ये नहीं जा रहा, ठीक है। और वो चेक कर लेते दोनों को, क्योंकि चारों में से कौन सा अलग है वो चीज़ बतानी होती है हमें, ठीक है। इधर मैं अगर 3 का भाग दूँ तो ये पूरी पूरी बार जा रहा है, ठीक है, ये हो गया 8 बार, तो ये 1 बार, 81 बार जाएगा, ठीक है। यहाँ अगर मैं 3 का भाग दूँ तो ये भी पूरी पूरी बार जा रहा है, काटने की ज़रूरत नहीं मुझे, आप आराम से खुद भी चेक कर सकते हैं इसको। इधर भी देखिए 99 में 3 का भाग जा सकता है और 63 में भी 3 का भाग जा सकता है। तो देखिए सब में पैटर्न सेम सा बैठ गया है, बस एक बी में नहीं बैठ रहा है, 97 में 3 का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है आपको 678 बराबर 83, ठीक है, 476 बराबर 75, ठीक है, 567 बराबर 80, तो 369 बराबर क्या होगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इन तीनों नंबरों को क्या जोड़ें घटाएं करें कि ये 83 बन जाए। अब देखिएगा लॉजिक क्या लग रहा है इसके अंदर, 67 में भाग अगर 8 का दें तो पूरा भाग थोड़ी ना जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 64 में 8 बार जाएगा और रिमाइंडर मतलब शेष जो बचेगा वो 3 बचेगा। तो जितनी बार भाग गया 8 और बचा रिमाइंडर 3, तो उसको इस तरीके से 83 लिख दिया गया। सेकेंड वाले में अगर मैं चेक करूँ 47 डिवाइडेड बाय 6, तो 42 बार आएगा, कितनी बार 42 कितनी बार आएगा, 7 बार, और शेष कितना बच रहा है 5, रिमाइंडर कितना बच रहा है 5, तो ये कितना गया 75।
इसका मतलब ट्रिक ये बैठरी है अच्छे से 56 में अगर मैं बात करूँ 7 से भाग लगाएं तो कितनी बार जाता है, पूरा पूरा 8 बार भाग जा रहा है, 7 × 8 = 56 ठीक है, पर रिमाइंडर कुछ नहीं है तो उसने 0 ही पटक दिया। 36 में अगर मैं 9 का भाग लगाऊँ तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 4 बार भाग जा रहा है, और रिमाइंडर कुछ नहीं है तो 0 लगा दीजिए, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 369 = 40। क्वेश्चन नंबर पाँच आपको देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन मतलब कि सिलोजम का क्वेश्चन है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, काफ़ी आसान है, बहुत ही आसान, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, और नहीं है तो आप देख लो ठीक है। इसमें क्या होता है, कथन को सत्य मानते हुए हमें निष्कर्ष निकालने होते हैं कि निष्कर्ष सही है कि नहीं, तो कथन को तो कभी गलत नहीं माना है लेकिन निष्कर्ष हमें चेक करना है कि ये गलत है कि सही, तो इसको चेक करने के लिए हमें एक वेन डायग्राम बना करके इसको रिप्रेजेंट करते हैं कथन को ठीक है। तो पहला कथन दे रखा है, सभी पेन रबड़ हैं, ऑल पेन्स आर इरेजर्स। तो देखो ये पेन का सर्किल ले लो है ना, और सभी पेन क्या है, इरेजर्स है, ये इरेजर्स इस तरीके से बनाना है, कुछ इरेजर्स को आपको छोड़ते हुए चलना है क्योंकि सभी पेन इरेजर है, सभी इरेजर्स पेन नहीं है, अभी तक ये क्लियर नहीं है ना, तो ये इरेजर हो गया। अब जो दे रखा है सेकंड स्टेटमेंट, वो दे रखा है सभी रबड़ पेंसिल हैं, तो सभी जो ऑल इरेजर्स हैं वो पेंसिल्स हैं, तो ये एक और गोला और ये गोला किसका है, पेंसिल का ठीक है। अब पहुंचते हैं अपन कॉन्क्लूजन की तरफ, कॉन्क्लूजन चेक करेंगे, फर्स्ट कॉन्क्लूजन दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, सभी पेंसिलें पेन हैं, सभी पेंसिलें पेन हैं, सभी पेंसिलें पेन हो सकती हैं, दिख रही है क्या, सिर्फ ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ही पेन है ठीक है, तो फर्स्ट वाला तो क्रॉस हो गया। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड क्या दे रखा है आपको, सेकंड दे रखा है सभी पेन पेंसिलें हैं, जो सभी पेन है वो पेंसिलें होंगी होंगी, इसमें कोई दूसरा चांस ही नहीं कि भैया, क्योंकि ये जो सर्किल है ये पूरे पेंसिल के एक पार्ट का सर्किल है, तो ये कथन तो आपका फॉल्स हो ही नहीं सकता, इसलिए सेकंड जो है आपका ट्रू है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी केवल निष्कर्ष सेकंड सही है।